आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नया पैंट का पैटर्न डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसे देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी बनाना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेकर आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा पैंट जो है उसकी मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है, मोरी के साइड में 2-2 इंच पर, 2 इंच पर आप मार्किंग करते जाएँ। इस तरह से मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब मैं इस पर जो है प्लेट्स लगाऊंगी, टक्स जिसे हम बोलते हैं, टक्स लगाएंगे। छोटे छोटे से टक्स हमें लगाने हैं। अब इसी तरह से मैं और भी टक्स लगा लूंगी। यहाँ पर 1/2 इंच का गेप देते हुए आप यहाँ पे टक्स लगाते जाएं। ये देखिए 2 टक्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस लेना है। 1/2 इंच का डिस्टेंस लेकर फिर से हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 4 टक्स लगा लिए हैं, 4 प्लेट्स बना लिए। अब यहाँ से मैं वापस से 2 इंच पे मार्क कर लूँगी। और इसे एक लाइन, सीधी लाइन बनाकर हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में अब हमें जो है हमारी ये पट्टी है इसे डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा पैंट की साइड थी उसमें भी हमें इसी तरह से उल्टा कपड़ा रखकर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही पट्टी और पैंट के साइड में सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने एक नेट थी उसको लेस की शेप में इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह से लेस ना, नेट ना हो, तो आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, लेस यूज़ कीजिए, या फिर आपके पास बची हुई कोई नेट फैब्रिक होंगी तो उसमें से आप लेस के शेप में इस तरह पट्टी कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक लेस के शेप में 2 इंच की पट्टी यूज़ की थी और दोनों को सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब उसके बाद में हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी सेम नीचे की ही तरह प्लेट्स लगा लेंगे। छोटे छोटे से टक्स बना लेंगे और 4 टक्स मैंने नीचे जिस तरह दिए थे उसी तरह से मैंने ऊपर भी 4 टक्स दे दिए। सिलाई लगाकर हमने टक्स तैयार किया है। अब यहाँ पर मैं एक पट्टी लूँगी जिसकी लेंथ विड्थ होंगी 5 इंच और लेंथ हमने यहाँ पर 17 इंच ली है। तो यहाँ पर मैंने बकरम को कर्व शेप देकर, कंगूरे का शेप देकर कट कर लिया है। एक ही साइज़ के हम कंगूरे कट कर लेंगे और पट्टी के ऊपर 1/2 इंच छोड़ते हुए आप ऊपर साइड से बकरम को सिलाई से अटैच कर लीजिए। अगर आपका बकरम स्टिच होता चिपकने वाला है तो आप उसे चिपका भी सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं प्रेस की मदद से। और इस तरह मैं कंगूरे के साइड में सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ बकरम के ऊपर पे आपको सिलाई नहीं लगाना है, साइड से सिलाई लगाइए ताकि आपका जो कर्व शेप है अच्छी तरह से पलट सके। पट्टी को मैंने डबल करके यहाँ पर कर्व शेप में सिलाई लगा ली है। अब हम साइड के जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में जो बीच के हमारे कंगूरे के बीच का जो है एक्स्ट्रा का फैब्रिक वहाँ पर कट्स लगा लीजिए ताकि जो हमारा ये बकरम के साथ पट्टी है अच्छी तरह से पलट सके और कोई भी लम्स ना रहे वहाँ पर। ये देखिए इस तरह मैंने यहाँ पलट दिया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, हमारा जो बकरम है उससे बहुत इजीली ये कपड़ा अच्छी तरह से पलट जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो है कर्व शेप आ गया है। अब सभी कर्व शेप के साइड से हम थोड़ा दूर से सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाकर हमारी जो पट्टी तैयार हो गई है, अब हमें इसे हमारे पैंट में अटैच करना है। तो यहाँ पर मेरे पास गोटा लेस है, तो गोटा लेस को हम हाफ इंच ऊपर से रख के उल्टी गोटा लेस रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें जो है इजीली हमारे जो पट्टी थी कर्व शेप की, कंगूरे शेप की, उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ पर्ल्स हैं, मोतियाँ हैं, तो मैं इसे जो हमारा प्लेट्स थी उसके ऊपर अटैच कर लूँगी और सिलाई अच्छी तरह से इसे नीडल और थ्रेड से मैं टांक लूँगी। तो यहाँ पर मेरा डिज़ाइन बनके तैयार है। आई होप आपको मेरे ये डिज़ाइन पसंद आए होंगे और इजीली समझ आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नेबर्स और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।